हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे। बात करेंगे यूपीएससी की, तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यानी आईएफएस के लिए जो है प्री एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। और मैं बताना चाहूंगा जितने भी कैंडिडेट्स जो काफी देर से वेट कर रहे हैं यूपीएससी का, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जो है वो इशू कर दिया गया है यूपीएससी द्वारा, और जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो भी जो है फिलहाल अप्लाई हो रहे हैं, और एग्जामिनेशन सेंटर्स, एज क्राइटेरिया, पूरा का पूरा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यूपीएससी आईएफएस प्री एग्जामिनेशन जो 2021 पे होगा उस पर क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। सो गाइस, बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे नए हैं, जो अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इन फ्यूचर की जितनी जॉब्स नोटिफिकेशन हैं उनका अलर्ट टाइमली आप तक पहुंच सके। और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट पे हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी रहती है किसी भी वीडियो, किसी भी जॉब्स या किसी भी सिलेबस के रिगार्डिंग, आप वहां पे जो है मैसेज करके हमसे क्यूरी का रिस्पांस टाइमली पा सकते हैं। तो गाइस, बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे। और मैं बताना चाहूंगा यहां पे यूपीएससी ने निकाल दी है नोटिफिकेशन आईएफएस एग्जामिनेशन 2021 की, और मैं यहां पे डायरेक्टली बात पे आता हूं। तो 110 पोस्ट जो है यहां पे एडवर्टाइज की गई है। इस एडवर्टाइजमेंट में अगर बात करें एज लिमिट की, तो एज ऑन 1 अगस्त 2021 तक जो है कैंडिडेट्स मिनिमम 21 साल की जो है एज होनी चाहिए, या फिर मैक्सिमम 32 इयर्स तक की जो है यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है। और बताया गया है कि जो कैंडिडेट 2 अगस्त 1999 यानी 1989 ईयर जो है उसमें जो है उससे पहले बोर नहीं होने चाहिए, और जो है 1 अक्टूबर 2000 के बाद जो है उनका बर्थ नहीं होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन है जो वो एज पर एप्लीकेबल रहेगी एज पर द रूल्स जो एससी एसटी या रिजर्व कैटेगरीज के लिए रहती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी पे, तो एप्लीकेशन फी जो रहेगी वो रहेगी 100 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल्स कैंडिडेट के लिए जो है वो एप्लीकेशन फी नहीं रहेगी। और यहाँ पे पेमेंट मोड आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट होगी वो आपको डिपॉजिट करनी होगी मनी, जो भी आपका जितनी भी एप्लीकेशन फी होगी यानी कि 100 रुपीज, वो है किसी भी एसबीआई ब्रांच में आप कर सकते हैं थ्रू कैश, या फिर आप नेट बैंकिंग का यूज करके, या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड का यूज कर भी जो है आईएफएस प्री एग्जामिनेशन 2021 की जो है एप्लीकेशन फी सबमिट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर, तो मैं बताना चाहूंगा यहां पे लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने की वो रहेगी 24 मार्च 2021, यानी कुछ दिन ही बचे हैं एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट होने में। और मैं बताना चाहूंगा शाम को 6 बजे जो है वेबसाइट से आपको जो है एप्लीकेशन का लिंक हटता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर बात करें पेमेंट फी सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 23 मार्च 2021 रात को 11:59 तक जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर बात करें लास्ट डेट जो रहेगी पेमेंट की फी ऑनलाइन की, वो रहेगी 24 मार्च 2021, यानी कि जब एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी उसी टाइम पे जो है पेमेंट ऑनलाइन जो की जाएगी उसकी भी जो है लास्ट डेट हो जाएगी। और उसके बाद अगर बात करें कि जो जो एप्लीकेशन विड्रॉइंग होंगी ऑनलाइन एप्लीकेशन, उनकी जो डेट है यहां पर बता दी गई है 31 मार्च 2021 से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक रहेंगी। उसके बाद अगर बात करें डेट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जाम, तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो 27 जून को कंडक्ट किया जाएगा यूपीएससी द्वारा, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स में जो है एग्जाम को जो है कंडक्ट किया जाएगा। और एग्जाम देख सकते हैं आप, मेंस का जो एग्जाम है टेंटेटिव मंथ बता दिया गया है कि नवंबर 2021 को जो है मेंस का एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं आप डायरेक्टली पूरा का पूरा यहां पे टैबलेट फॉर्म पे बताया गया है डेटा को कि एग्जामिनेशन जो रहेगी वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यानी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आईएफएस 2021 रहेगी। और डेट ऑफ नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप, 4 मार्च 2021 की डेट ऑफ नोटिफिकेशन है। कमेंसमेंट देख सकते हैं डेट 27 जून 2021 को जो है प्रीलिमिनरी एग्जाम की जो है डेट यहां पे बता दी गई है। उसके बाद अगर बात करें ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, तो ऑब्वियस है कि 1 डे एग्जाम जो है प्रीलिमिनरी कंडक्ट किया जाएगा डिफरेंट सेंटर्स में। और लास्ट डेट आपको बता दी गई है 24 मार्च 2021 को शाम को 6 बजे जो है लास्ट डेट है। फिलहाल मैं आपको जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं मैं बताना चाहूंगा, ग्रेजुएशन जो है इसका मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, और मैं सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा जो भी एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं बताने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को लगाने के लिए, तो मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है डायरेक्टली लिंक डाल दूंगा जिससे आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। तो आप जो है हमारी डिस्क्रिप्शन के लिंक को यूज कर भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीडीएफ जो है इस एडवर्टाइजमेंट की वो मैं अपनी लिंक की वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर जो है फर्दर डीपली इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।